अच्छा बच्चा सूदा बच्चा मेरो मेरी बच्ची बड़ी गोरी हुई मेरी गोरी बच्ची मार दी। तो नंद हाथ चलाने की सोचे करती थी, इतने फिर 10 बजे फोन पहुंच गो, इतने वो छोरी खत्म कर दी, सोचे भी ना पाई है। बुलत मोटरसाइकिल लारा और अंगूठी चाहिए हमें। तो तेरी मम्मी वो ये मारने की कह रहे, मैंने चूल्हे पे बैठ के समझाई है, क्योंकि सबड़े गोल हो के यहाँ मारेंगे, एक दो पति मरेगी ना, 4-5 लगेंगे, मार के फांसी पे लटका देंगे। और उसके गैल बेतमीजी भी बात उनने बहुत करी थी, वो जो रिश्तेदार था उसे रात में तंग करे करता था, रात में जीभ को दांतों के नीचे दाब ले करता था। मैंने कही दीदी ज्योति बताओ, नहीं दीदी मुझे मार देंगे वो, दीदी किसी का आगे मत बताना आप, दीदी मुझ पे बुलट मोटरसाइकिल मांगते हैं, लड़ मांगते हैं, गूठी मांगते हैं, पैसा मांगे। अब के तेरी मम्मी ते 10,000 लियो, 20,000 लियो, 2-4 बेर मैंने दे दिए, मैं कहाँ दे दूँ, बिहार ते 15 दिन पीछे गुजर गए बाप, अब मैं कहाँ ते लाऊँ साबुन। वो ते बुलट की क्या है, नुका बुलट ला, 2 लाख रुपया ला, 5 तोले की लड़ ला, 1 तोले की गूठी ला, मतलब चैन को बोलते हैं। हाँ चैन को बोलते हैं, 1 तोले की गूठी जी और 5 तोले की चैन ही जी, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए कैश मांगे थे जी उन्होंने। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत, लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजिर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देखी आप लोगों ने, गांव नंगला लोहिना पलवल के अंदर एक ज्योति नाम की लड़की की मात्र 6 महीने पहले शादी हुई और उसका 24 घंटे पहले दाह संस्कार होया, और जबकि इससे बुरा दौर और क्या होगा, जबकि शादी के हफ्ते 10 दिन बाद ही पिताजी की डेथ होगी और आज 6 महीने बाद वो बेटी बन रही। परिवार का साफ साफ आरोप है पिछली वीडियो में चाचा ने कि बुलेट और दहेज को लेकर के, और काफ़ी विवाद हुआ। बेटी ने मरने से पहले एक दिन पहले फ़ोन भी किया तो उसके साथ में वो नौनी होगी और इनके पास में कुछ पुख्ता प्रूफ भी हैं ऑडियो वीडियो को लेकर के। और मेरे पास में ये भाई है, उनका छोटा भाई है, बड़ा है, मैं इनसे पूछूँगा तो बात और वो आपके सामने वो भी रखूँगा। तो भाई जी, ज्योति के भाई हैं आप लोग? हाँ जी। ज्योति से बड़े हैं छोटे? ज्योति से बड़ा हूँ जी। कितनी उम्र थी बहन जी की, ज्योति की? बहन जी की उम्र थी जी 19 से 20 के लगभग। 19 से 20 आपसे मतलब छोटी साल? हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन हैं जी, मैं अकेला भाई हूँ। आपसे छोटी ज्योति, बाकी सारी बड़ी? हाँ, सब बड़े हैं जी। जो ज्योति की शादी को बताया, 6 महीने ही हुए थे, मई जून में शादी थी। 6 जून को शादी थी जी, सन 2023 को। मतलब 6 महीने कैसे के 6 महीने समथिंग हुए हैं? हाँ, 6 महीने समथिंग हुए हैं जी। जी, और जैसे चाचा ने बताया था कि दहेज को लेकर बेटी काफी तंग कर रखी थी, परेशान थी, आप क्या क्या बता दी बहन जी को? जी, पहले उन्होंने कुछ दिन ही बाद उस बहन जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, हम और हमारे चाचा गए, उन्होंने वहाँ पर भी बोल्ट और लड़की मांग की थी। जी, आप और आपके चाचा जी गए साथ में? हाँ जी। तो आपसे बुलेट और वो चैन वैन की, जेवरात की, सोने की मांग थी? 1 तोले की गुठी जी और 5 तोले की चैन ही जी, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए कैश मांगे थे जी उन्होंने। एक छोटा सा बरामदा, ये कच्चा पलड़ वलड़ आप देख रहे होंगे लोकेशन जो है, आज ऐसे हालात में बेटी खोनी, 4 बहनों का इकलौता भाई और सरयाम मात्र पिताजी की शादी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही डेथ हो जाना, इस परिवार पे क्या दुख भी तरह होगा आज। शायद कोई तराजू नहीं जो उनके दुख को तोल देगी और कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस बेटी को वापस ला देगी, क्योंकि सही है गलत जी है? सही है जी, सही है जी। आज मेरे पीछे जो ज्योति की बहन है, बड़ी हैं छोटी हैं, वो भी माँ भी, मैं 1-2 बात उनसे भी लूंगा और आपके सामने वो भी रखूंगा। आ जाओ जी। खड़ी हो जाओ बेटी, तीनों माँ बेटी खड़ी हो जाओ। ज्योति की माँ बहन जी आप? जी, ज्योति की मम्मी। ये ज्योति बेटी कौन से नंबर की बहन जी है? ये 4th नंबर की है जी, सबसे छोटी है। मतलब 4th नंबर की। और ये बड़ी बेटी है? ये बड़ी है, सबसे बड़ी है, ये है छोटी, फिर ये सबसे छोटी है, और इन सबसे छोटी ज्योति थी। हाँ जी। कुछ
ज्योति बता करती आपके आगे भी मेरे की क्या समस्या क्या परेशानी है वहाँ बताई जी मोते क्या बताए बहन जी आपके आगे मम्मी मोपते बुलट की क्या है नुके बुलट ला 2 लाख रुपया ला 5 तोले की लड़ ला 1 तोले की गूंठी ला मतलब चैन को बोलते हैं हाँ चैन को बोलते मैंने कही बेटी चारो तुम छोटो सो भैया बाप गुजर गो बिहाते 15 दिन पीछे गुजर गए बाप अब मैं कहाँ ते लाऊं साबुन ने लड़गुड़ी आई बेरा भाई पैसा मांगे अब के तेरे मम्मी ते 10,000 लियो 20,000 लियो 2-4 बेर मैंने दे दिए मैं कहाँ ते दूँ मेरी लड़की जब ही मारे वहाँ ले जाके चाचा ताऊं ते इनते काई ते भी ना बताई मोते बता भाई लड़की मैंने बात छिपाली वहाँ ने भी छिपाई जो इन मम्मी बताइयो मत मोए मार देंगे बेटा ना मारेंगे तो ज्योति से बड़ी हैं आप लोग भी हाँ, एक कितना अंतर है बेटे आप में ज्योति की कैसे साल का 4 साल का अंतर है एक है जैसे सहेली भी होगी बहन भी होगी आपस में कोई बात शेयर करनी हो चाहे दुख की हो चाहे खुशी की हो आपस में बहन बहन कर लेती हैं तो आप क्या ज्योति क्या बताया करती नो बताई करी दीदी रात में जैसे मैं सोऊं तो मुझे वो परेशान करे हैं दीदी किसी का आगे मत बताना आप दीदी मुझ पे बुलट मोटरसाइकिल मांगते हैं लड़ मांगते हैं गूठी मांगते हैं और दीदी पैसा इनकी कहते हैं दीदी मैं भैया का आगे नहीं कहूँगी मैंने कही दीदी ज्योति बताओ नहीं दीदी मुझे मार देंगे वो और वो जो रिश्तेदार था उसे रात में तंग करे करता था रात में जीभ को दांतों के नीचे दाब ले करता था जब कया करता था ज्योति मुझे जाने क्या हो गया पैसा मंगवा लो अपने घर से और उसके गैल बेतमीजी भी बात उनने बहुत करी थी पर हम बेटी थी हम बता नहीं सकती थी कुछ भी क्या सारा ये परिवार झूठा हो गया ये जिसकी बेटी चली जाए वो ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं जब उसके साथ में शरीर पर चोट फेट के निशान हैं कई जगह गंभीर है हाथों पर पैर पर डिमांड कर रहे हैं बेटी की जान चलेगी आज ये परिवार रो रो के इंसाफ मांग रहा है क्या सारी बेटियां माँ चाचा भाई सभी गलत हो गए सभी झूठे आरोप लगाए क्या इसमें साफ साफ आईना है आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देते रहना और एक एक चीज़ निकाल निकाल के सच्चाई की फिराक में मीडिया रहती है और आपके सामने रखेंगे बेटे आपका क्या नाम है लक्ष्मी आप भी ज्योति से बड़ी हाँ जो ये आपकी बहन जी कह रही है माता जी कह रही है सही कह रही है सर सही कह रही है सुसन ने तो मोती भी कही 2 महीना पहले नो कह रहे ना हमें ना चाहिए यू और काके में बुलत मोटरसाइकिल लारा और अंगूती चाहिए हमें तो नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे ना माई आपके पास फोन आ देना बेटी का ज्योति का जी। क्या बोल रही थी वो नो कह रही मम्मी वो ये मारने की कह रहे मैंने चूल्हे पे बैठ के समझाई है नो कह सबड़े गोल हो के या मारेंगे 1-2 पति मरेगी ना 4-5 लगेंगे मार के फांसी पे लटका देंगे अगर फोन पे भी सुन लीजिए तुम यही बात पाएंगी मैंने लड़की तो कही बेटी हम आमे झूठ तो ना यू बात कभी हमें नीचे देखना पड़ जा ना मम्मी झूठी ना यू बात फिर मैं ही गांव में मेरे चाचा मर गो फिर मैंने फोन करो लड़का पे याने मन की तेरे चाचा थे के बेटा ऐसे ऐसे बात है इन्होंने कहिए इतने फिर 10 बजे फोन पहुंच गो इतने वो छोरी खत्म कर दी पहुंचे भी ना पाई है कैसे भूल पाओगे माई ज्योति को आपकी तो ज्योति बुझा दी बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए इनाम ना होना चाहिए हमारी गैल न्याय होना चाहिए गरीब आदमी इस बच्चा माई देख ले बाबूजी मेरा छोटा सा बच्चा कच्चा बच्चा सूदा बच्चा मेरा मेरी बच्ची बड़ी गोरी हुई मेरी गोरी बच्ची मार दी क्या चाहते हैं माई अभी न्याय होना चाहिए जैसे मेरी बच्ची पड़ फड़ा के मारी है उनकी गैल
सजा होनी चाहिए ऐसी। सजा क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी चाहते हैं, फांसी होनी चाहिए। नंद की भी होनी चाहिए। बहुत समझाई। नंद ने बहुत परेशान करी, उसके ऊपर बाथरूम गिर गई थी तो हमारी छोटी बहन मालिश करे करी, जो कही करी मैं तेरे हाथ की मालिश नहीं करवाऊंगी। तो नंद हाथ चलाने की सोचे करती थी, उसने एक दो अल्लाह मुझे बताई फोन पे, पर दीदी किसी को मत बताना, बहुत खराब है, मुझे मार देंगे ये। मतलब उसको एक डर बैठा था अंदर। हाँ, कसम दे दे करी। कट्टा भी धरो जी, उनके मोबाइल में चेक कर लीजो, कट्टा पावे को उनके मोबाइल में। अभी ये बड़ी लड़की है, आप सबसे बड़ी हैं बहन जी? हाँ, सबसे बड़ी है। कुछ ज्योति ने आपके आगे बताया? बताया जी। क्या बताया बेटा? फोन करा उनने, फिर बोली अग बीवी मुझे मेरी सास परेशान करती है, मुझे मेरी नंद परेशान करती है, अक अपने घर ते अपने कुछ भी दहेज ना लाई, 2 लाख रुपया लाओ, और मछिया सास सब परिवार मुझे बहुत परेशान कर। मैंने बोली नुक नुक चाचा ते बता दे, नुक ना दीदी चाचा ते नहीं बताना, मुझे मार देंगे ये। फिर उसका घर वाला था जो, वो कह रहा आके इसे कई दिन में नहर में गिर दूंगा, इसे कई दिन मार के नहर में भायाऊंगा इसे। ये ज्योति बता रही थी? ज्योति बता रही थी जी। फिर उनने भी कही थी अक मैं इसे ज्योति को किसी दिन में नहर में गिर जाऊंगा। मैंने कही ना ऐसा नहीं, ऐसे मत करियो, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अपनी मम्मी को अपनी बहन को समझाना, उससे गुथना नहीं ज्योति ते, प्यार ते रहो, ये कलेश ले बैठेगा तुम्हें। अक नहीं ये नहीं मानती, अरे 2 लाख रुपया दबाओ, बुलट मोटरसाइकिल दबाओ, चैन दबाओ, सोने की गूठी दबाओ। ये बातें कौन बोलता था वहाँ? उसका पति था जो, वो बोलता था ज्योति को। ज्योति को अन्य नहीं दबाओगे तो इसे नहर में भागे भा दूंगा किसी दिन। आज हालात देख रहे हैं आप लोग, विंडो का एक खिड़की नहीं है, फर्श कच्चे हैं, पीछे देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कच्चे फर्श हैं। जिस घर में दरवाजे तक नहीं हो, विंडो खिड़की दरवाजे नहीं हो और फर्श कच्चे हो, वो परिवार भला कैसे दे सकता है? आप लोग देख सकते हैं ये कच्चा आंगन है, ये कच्चे आंगन में खड़े हैं नीचे। और इस परिवार की दुविधा आज 3 बहन, ये चाचा, ये भाई बेटी को खो रहे हैं और सारा गांव दुख के सैलाब में डूबा हुआ है, मांग कर रहे हैं इंसाफ की। इंसाफ मिलना वाजिब भी है आज इस ज्योति बहन के लिए। आप लोग ओम शांतिया कमेंट जरूर डालना और किसी बात की पुष्टि मीडिया के नहीं पीड़ित परिवार का बताना है, क्योंकि पुलिस तस्दीक में कोई भी आरोपी बच के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेटियां ऐसी पता नहीं कितने हजारों बेटियां ज्योति ऐसे बलि चढ़ती रहेंगी। और इसको ज़्यादा शेयर कर देना, आपका शेयर करना ही इस बेटी को इंसाफ दिलाएगा और इस परिवार को हिम्मत भी। धन्यवाद।